हेलो हेलो हेलो। हाँ, दिनेश जी बात कर रहे हैं? हाँ, बोलो। दिनेश दास सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया हुआ, इंटरव्यू बढ़िया हुआ मेरा। कैसा था? बढ़िया, हाँ सर, बढ़िया रहा इंटरव्यू, कोई बहुत दिक्कत नहीं आई। बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, क्या? हाँ सर, अच्छा रहा। मतलब जो पूछने वाले सर लोग थे ना, सर मैडम, तो हाँ, उन्होंने बढ़िया पूछा, आराम से पूछा। अच्छा, हाँ, कोई भी वो दिक्कत नहीं हुई। किस पोस्ट के लिए शुरू में था? लग रहा था कि कुछ मान लो कुछ ज्यादा हाँ पूछ लें, ऐसा कुछ नहीं पूछा उनने। सर, अच्छा, मेन फोकस उनका ये आएगा कि हाँ। अभी जो वर्तमान में आप कर रहे हो, जो भी नहीं, आप वो थोड़ा सा पहले। अपने अपने पोस्ट के बारे में बताइए, आपने किस पद के लिए अप्लाई हाँ किया? सर, मैंने असिस्टेंट कम अकाउंट कम डाटा एंट्री अच्छा, ऑपरेटर। डाटा एंट्री के लिए। तो आपसे सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने? सर फर्स्ट पहले मुझसे यही पूछा उनने, पहले मेरा नाम लिया था उनने खुद ही। जब अच्छा, उनने मेरा नाम लिया, दिनेश आपके, दिनेश आप क्या कर रहे हो अभी, तो फिर मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन ही बताई उन्हें। हाँ तो सही मैंने है। वो मेरा नाम नहीं लिया, पर मुझे दिक्कत ही नहीं बताने में जानकारी। अच्छा, तो वो कल अभी आप कर रहे हैं सर? अभी सर मैं सर बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ कंप्यूटर की। मेरे पास कंप्यूटर भी, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ अभी, चल रहा है। अच्छा, चलो इसके बाद पहले आपने कहीं काम किया सर? मैंने कहा मैंने सर 2018 से 2021 तक शासकीय में प्राइवेट आई थी, मैंने पढ़ाया कोपर ट्रेड में। चल अच्छा, तो कल आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस? मैंने हाँ सर, मुझे टीचिंग का। मैं सर उस हम क्या करते थे, टीचिंग के साथ साथ ऑपरेटर काम भी करना पड़ता था हम कंप्यूटर ऑपरेटर का ऑफिस में, ये तो नॉर्मल ही होता है। चल रहा है सर। चल आप एक्सेल में जानते हो काम? मैं सर एक्सेल में एम एस वर्ड एक्सेल है पावर वन में जानता हूँ। आप जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। चल रहा है एक्सेल में बताओ जो बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है? नहीं सर, बैलेंस शीट का काम यही होता है कंपनी का हिसाब किताब रखना, कि अच्छा, भाई कितना पैसा है, किसको उधार दिया है, कितना आया है, कितना अपन ने सामान परचेज किया है, किसको सेल किया है, ये रखा जाता है पूरा अकाउंट की जानकारी। चल अच्छा, सर वो कल पावर पॉइंट चला जानते हो? मैंने पावर पॉइंट चला जानते हो? तो उन्होंने पूछा भाई स्लाइड क्या होती है? मैंने कहा स्लाइड सर जो होती है अपन भैया से एम एस वर्ड पेज होता है, स्लाइड होती है, उसमें अपन कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो मैंने कहा चल अच्छा है, चल रहा आप लोगों को, आपको पूरा नॉलेज आएगा। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने काम किया है। फिर कल आपने डिग्री कहाँ से की? मैं सर मैं डिग्री सर मैं डिग्री मैंने बीए किया सर, बैचलर ऑफ आर्ट। ये कहाँ बोला, कहाँ से की है? मैं सर ये मैंने गंज बहादुर की है। वो कह अच्छा, कल डिप्लोमा सर ये मैंने किया है, ये डिप्लोमा पीजीसी किया हुआ है मैंने। अच्छा, चल रहा अच्छा। चल अदर क्वालिफिकेशन? नहीं, अदर में सर मैंने आईटीआई खुद किया, मैंने विदिशा आईटीआई से मैंने 1 साल का होता है डिप्लोमा, वो किया मैं सर्टिफिकेट आईटीआई। कल अच्छा। वो कह आपको टाइपिंग वापिंग आती है? सर मैंने टाइपिंग में मैंने सीबीसीटी पास किया हुआ है। वो कह लगे सीबीसीटी क्या होती है? नहीं सर, ये शॉर्ट कोर्स होता है सर, कोई भी कभी भी ये दे सकता है सर, ऑनलाइन इसका फॉर्म भराता है। तो कह उसमें क्या मांगते हैं सर? मैंने उसमें मेन चीज देती है हिंदी प्लस हिंदी टाइपिंग। और मैंने सर मेरी उसमें हिंदी मेरी 28 वर्ड पर मिनट WPS आई है, और इंग्लिश में मेरी 36 वर्ड पर मिनट। तो मैंने कहा अच्छा, कल टाइपिंग मैंने हर वो टाइपिंग का होता है वो कहीं जब जहाँ भी वैकेंसी निकलती है ना ऑपरेटर की, उस समय ये मांगते हैं कि भाई आपके पास सीपीसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सर ये मध्य प्रदेश का है, ये मैं ये सर्टिफिकेट रहता है। कल अच्छा, कल आपको तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं। कल ठीक है, कल लगे फिर कल लगी बताओ। अच्छा अभी आप कर रहे हो? कर रहे हैं? मैंने कहा अभी सर मैं कहीं नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 1.5 महीने पहले छोड़ा है मैंने, मैं अभी रायगढ़ आईटीआई में कर रहा था मैं अभी। चल रहा है अच्छा। तो कल आप ही बताओ, अभी मान लो हम यहाँ पे आपको जॉब करा देते हैं और कहीं आपको कोई सैलरी देता है अधिक हमसे बढ़ा के, तो आप क्या करोगे? क्या? नहीं सर, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ सैलरी के लिए, आप सैलरी जो आपकी रहेगी मैं वही सैलरी में करूंगा, और मुझे कोई बढ़ा के देगा तो मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं इस जो आपकी RGS चल रही ना, RGS राष्ट्रीय ग्राम सेवा स्वराज अभियान, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रामीण विकास संबंधित है और इसमें ग्राम का विकास करना है अपन को सभी समिति के साथ मिलकर। बहुत बढ़िया, कल अच्छा। तो कल हाँ, कल आपका बहुत अच्छा रहा, कल बेस्ट ऑफ गुड लगा, आप जाइए। बस इतने पूछा आपसे उन्होंने? हाँ सर, इतना पूछा और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा, और मैंने एक दो लोगों से पूछा था, तो उनसे कुछ लोगों से पूछा भाई डेबिट का डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये अच्छा, पूछा है कुछ लोगों से। कुछ लोगों से मेल के बारे में जानकारी पूछा है, भाई मेल क्या होता है, कैसे भेजते हैं मेल, ये नॉर्मल जानकारी ये पूछा सर वो लोग, ये है। मतलब इस और तरीके सर से। आपने जो मैंने आपकी जो वीडियो देखी सर, आपने जो डॉक्यूमेंट जमाने के बताया था अभी, तो भाई क्या क्या लगाना पहले? हाँ, और तो मैंने वो उसी तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए थे पूरे, कॉल लेटर लगाया, अपने जो एप्लीकेशन प्रिंट था वो लगाया, 10वीं की अनुसूची, 12वीं की, और मेरे पास 3D था वो लगाया था, और अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक की पासबुक, और अपना कोरोना का ये सर्टिफिकेट वैक्सीन वाला, अच्छा, ये मैंने 2 सेट ले गया था, और सभी के मैंने जो आपने बोला था
कि भाई आप पीछे भी शान का था सेल्फ अटेस्टेड, तो मैंने सभी के पीछे किए थे और सभी के ओरिजिनल ले गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। यानी जो आपने बताया था वो पूरा सही हुआ। अच्छा सही था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें सर को? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक परसेंट दिक्कत नहीं आया सर उसमें अपन को। अच्छा और बाकी सर उसमें घबराने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई लगा जाता है बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होकर जाओ, वो लोग तो बढ़िया है, मतलब जो पूछने वाले हैं वो भी टैलेंट है और उनकी उम्र भी शायद सर 60-50 करीब है, तो वो भी आराम से पूछ रहे हैं लोगों। कल आपको जो पहले आप अपन से पूछ रहे भाई आपको तुमको क्या आता है, तुम क्या पढ़ गया हो, तो अपन भाई बता दोगे सर मैं ये पढ़ गया हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा अभी बताइए जो लोग जाने वाले हैं, ठीक है जो लोग अभी मान लीजिए डाटा एंट्री वाले जो जाने वाले हैं, उनको क्या चीजें पढ़ के जानी चाहिए और कहाँ से पढ़ के जानी चाहिए? देखो सर मेरे हिसाब से मैं उनको लिए मैं बता सकता हूँ सर, वो जहाँ तक एक्सेल का पढ़ के जाए, एक्सेल में हाँ अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग वो सोच रहे कि भाई इनको अकाउंट में थोड़ा बहुत आता ही नहीं आता, और ऐसे फॉर्मूला वगैरह वो पूछ सकते हैं, मेल मर्ज है सर उसका उनको इसका ध्यान है, और पावर पॉइंट क्या होता है ये पूछ सकते हैं नॉर्मली, मतलब वो तो बेसिक पूछ रहे सर कि भाई ऐसे एमएस वर्ड होता क्या है, क्या चीज है ये पूछ रहे मेन चीज सर ये। अच्छा अच्छा हाँ ज्यादा उनको डीपली नहीं पढ़ना, सिर्फ ऊपर पढ़ना कि भाई कौन सी चीज क्या काम करती है। अच्छा तो मेरे से बैलेंस शीट का पूछा था, तो मैंने बताया ये फाइनेंस संबंधित है ये काम होता है इसमें। और आपका इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिया क्योंकि आपके बारे में उनकी इंट्रोडक्शन नहीं सर, इसलिए नहीं लिया इंट्रोडक्शन क्योंकि उन्होंने पहले मेरा नाम ले दिया था दिनेश बताइए आप, तो मैं समझ गया मैंने कि जब इन्होंने मेरा नाम लिया तो फिर मुझे पता नहीं है बताने की, क्योंकि इन्होंने सर उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, सर मैंने कहा विदिशा जिले से ग्राम सिन्नौर से आता हूँ। तो नहीं पूछा सर उन्होंने पूछा क्वालिफिकेशन बता, फिर हमने एक्सपीरियंस ये फिर मैं सब बताऊंगा डिटेल में। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, आपकी बातों से ही लग रहा आप फुल कॉन्फिडेंट है ना। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब शुरू में लग रहा था मुझे, लेकिन सर मैंने पता क्या समझा, मैंने ये समझा कि मैं अभी मैं पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाता था सरोज आईटीआई में या राजगढ़ में, तो मैंने कहा मैं ये समझू कि सामने जो पूछ रहा है वो मेरे बच्चे हैं स्टूडेंट है, ये बात तो मुझे उस तरह उनको समझाना है, इसलिए मैंने वो मेरा कॉम्पिटेंस रहा सर की भाई मेरे बच्चे बैठे हो जो मैं मतलब जो मैं बच्चों को समझाता हूँ उस तरह उनको समझाना उनको। अच्छा, तो मैंने उस तरह उनको हाथ के सारे समझाया, वो भी कहे नहीं यार लड़का तो पढ़ा हुआ है ये, पर मैंने कहा सर मुझे मैं पहले से पढ़ाता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर दिए ना उनके। हाँ बिल्कुल सब ये बताया इस पर रूप से आराम से बताया बिल्कुल। अच्छा अच्छा हाँ चलिए ठीक है, तो बहुत बधाई आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी हाँ, तरफ सर, आपके सर वीडियो सर मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी डॉक्यूमेंट रखने की। अच्छा, कि भाई कैसे क्या रखना कैसे क्या ले जाना। अच्छा, तो मुझे बहुत आपकी वीडियो बहुत सहारा, इसलिए मैंने सर को कॉल करूंगा रही बार। अच्छा अच्छा ऐसा है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया ना, बधाई हो हमारी तरफ से आपको, है ना? ओके सर थैंक्स, ओके और आपका सिलेक्शन हो जाए ठीक है, यही हमारी दुआ है। ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके सर थैंक यू।